गुरु भराप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत्स्यो तत् मिलायो अंगद कृपा तहारो अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुरु रामें दियो रामदास दर्शन परस कह मथुराय अमृत बैन मुहूर्त पंच प्रमाण प्रभु गुरु अर्जुन पिखो नैन पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कु आँख तेरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न मान्यो सिमर शास्त्र वेद सब है वो भेद कहे हम एक न जान्यो श्री आसमान कृपा तुमरी करण मैंने कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार कहे गहे की लाजस गोविंदास द्वार नानक गुरु गोविंद सिंह पूर्ण गुरु गोविंद गोपाल गुरु गुरु पूर्ण नारायण गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतितो धारण बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन्माने प्रतख गुरु निस्तारे सो कौटल गुरु सेवियन सह सुहाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए वाहेगुरु जी को खालसा वाहेगुरु जी को वाहेगुरु साहेब जीओ तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत जुगै नहीं दूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु खालसा सात संगत जीओ अज शुभ दिहाड़ा पौष की सप्तमी का है इस पौष की सप्तमी नू आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस संसार के उधार वास्ते वाहिगुरु के हुक्म अंदर श्री पटना साहब विखे अवतार धारण किया वो जो सारी कथा है वो आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साढ़े अवतार धारण का की कारण है वो दसी है तो फिर सानू की हुक्म है करन वास्ते वो भी आप अब मैं अपनी कथा बखाने वो सारा विचित्र नाटक के अंदर जिक्र किया है इस करके उस आधार के उत्ते जड़े कोई विद्वान प्रचारक हो रहा है वो विचार दसते हैं वो सतगुरु साहब जी अपनी लिखी हुई है तो इस सतगुरु साहब जी के अवतार पुरब के निमित्त जो इतने सिंह ने श्री सहज पाठ रखा हुआ अज भोग पिया है उस भोग के समय के उत्ते जो शब्द आया उसकी संखेप जी अखरी मात्र विचार करके तो फिर वो जो आप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपनी कथा लिखी है उसका विचार होगा तनासरी महला तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया तनासरी महला पहला घर दूजा पहले श्री गुरु नानक साहब जी का यह हुक्मनामा है कर दूजे राग दे गायन दे भेद अनुसार जो सुरताल रखे गए ने वो दूसरे घर के उन्होंने घर भी कह दें मुकाम भी कह देंगे तो ये अगे छंदा के छंदाबंदी के गुरबाणी का उच्चारण है अष्टपदियां अठ अठ पदे होंगे उसदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अष्टपदियां गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चोग चुगै प्रभावे सरवर में हंस प्राण पत पावे इस महावाक के अंदर सतगुरु साहब जी ने गुरमुखा दे करतब ते जड़े आम संसारी लोग सतगुरु साहब जी की सिख्या नहीं धारदे उन्होंने बारे विचार दसे है तो वह फल की होंगे उन्होंने
इसलोक दे विच भी ते अगे परलोक दे विच भी गुरसागर रत्नी भरपूरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं जैसे सत समुद्र बने हैं, उन्होंने विचों खीर समुद्र भी बनया है, दुध का समुद्र भी मनिया है, तो उसनों लड़कन के नाल उस 14 रतन निकले सन, चंगे अमोलक वस्तुआ निकलिया से, और सागर रत्नी भरपूरे गुरु साहब महाराज शब्द रूपी रत्ना दे नाल उपदेश रूपी रत्ना दे नाल ऐन भरापूर भरपूर हैं। हर रस चोग चुगा प्रभु भाव गुरु सागर रत्नी भरपूरे अगे सरबर मैं हंस प्राण पत पावै गुरु सागर रत्नी पूर्वे अमृत सन चुगै नहीं दूरे जेड़े अमृत रूप शब्द सतगुरु साहब जी दे नाम बाणी हैं जिमें हंस जड़े ने वो दसते ने मान सरोवर से रहने इस तरह कई समुद्र के भी जिक्र किया है हर रस चो गुरसागर रत्नी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे जोड़ा नाम अमृत है अमोलक वो चोगा चुगते ने ते वो कदे भी उतों दूर नहीं जाते परे नहीं होंगे हर रस चोग चुगै प्रभाव है वाहगुरु परमेश्वर का जोड़ा आत्मानंद रस रूप है वो चोगा चुगते हैं रस चोग चुगे वाहिगुरु परमेश्वर यही सब तो उत्तम कर्म उन्हें व्यक्तियों का पाँदा है सरबर मैं हंस प्राण पत पावै सागर स्वरूप आ वाहिगुरु परमेश्वर गुरु महाराज जी ने उस दे विच जो प्राणा का पति है अंतर आत्मा शुद्ध स्वरूप बस रहा है उसनों वो प्राप्त कर लेंगे हैं क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए और देखो भी हंसां दे भी उतला जिहड़ा लिबास है खंभ हैं वो चिट्टे रंग दे हुंदे है ते इधर बगले भी जड़े ने उन्हां दा भी रंग तो चिट्टा ही हुंदा है पर फर्क हुंदा है इस तरह उतला लिबास बनाने करके नहीं हंस बन जा बनीदा जिहड़ा करतब है उस करके बनीदा है क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए जिहड़ा बेचारा बगला है वह मान सरोवर से तो उसे मच्छियाँ नहीं है डड्डू नहीं है जिहड़ा वह बगलियां का खाना है इस करके वो बेचारा बगला जिहड़ा है वो उसे किवें रह जूगा तो उन्हें स्नान तक ही करना है क्या बग बगड़ा छपड़ी ना आए कि डूबे मैल न जाए उसे तो छपड़िया के बच्चे चिकड़ ही होंगे है वो डूबूगा मरूगा अखीर से डूबे मैल ना जाए उसकी जी अंतर मैल है पापा की जड़ी है चिकड़ जरा मोह आदि विषयों के पिया है वह नहीं जाता क्या बग बपड़ा इस तरह जोड़ा पखंडी डंबी है कोई भी किसी भेख के वह उतला भेख बना ले तो वह गुण ना धारण करे छपड़िया के भूतों प्रेतों की जी उपासना है कोई छिले कटने या उसे क्या बपड़ा छपड़ी ना आए कीचड़ डूबे वो तो चिकड़ के विषय के चिकड़ के डूबे रहा है चिकड़ डूबे मैल ना जाए उसकी जी पापा की मैल है पराया घर है होर है पराया हक है झूठ है पाप है वो नहीं उसने जा सकते रहाओ रख रख चरण तरे विचारी जेडे गुरमुख हैं मान सरोवर से साध संगत मान सरोवर है उसे रहने वाले रख रख चरण तरे विचारी वो बड़े विचार दे नाल अपने जेडे संकल्प विकल्प मन के चरण हैं उन्होंने रोक रोक के माड़े पासे वालों तो अगले पासे वाहिगुरु परमेश्वर के सन्मुख होने रूपी रखते हैं दुबदा छोड़ पे निरंकारी वो जरा दूसरा भाव है उन्होंने छड़ करके वो निरंकारी दे विच ही लिवलीन हो गया मुक्त पदार्थ हर रस चाखे जेड़े मोतियां ने पदार्थ वस्तुआं ने वाहिगुरु परमेश्वर का आत्मनंद रूप मोतियां वांग बहुत शुद्ध पवित्र अमोलक है उसनों वो चखते हैं आवन जान रहे गुरु राखे वो जन्म मरण के विच नहीं आते 84 के गेड़ विच नहीं पैंदे वो सतगुरु महाराज जी ने आप कृपा करके वाहिगुरु ने अपने चरणों के विच अपने स्वरूप के विच ही अभेद कर रहे रख ले सरवर हंसा छोड़ न जाए जेड़ा हंस तत्वे ते गुरमुख हैं
तत्मिथ्या का विचार करने वाले वो कदे भी साध संग रूपी सरोवर गुरु सरोवर छड करके नहीं जाते। प्रेम भगत कर सहज समाए, प्रेम नाल वाहगुरु की भगती करते हैं तो वह सहज स्वरूप जिहड़ा ज्ञान स्वरूप अंतर बाहर बस रहा है उस दे विच ही लीन हो जाते हैं। सरबर मैं हंस हंस मैं सागर, वो कैसी उन्होंने दशा भी सरबर आप सतगुरु स्वरूप हैं या सत्संग गुरमुख सरबर मैं हंस उत्थे वो जड़े हंस रेंदे गुरमुख तत्व ते रहने सरबर में हंस हंस में सागर जेडे गुरमुख ने तत्व ते है ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने सरबर में हंस हंस में सागर सागर जो गुरु स्वरूप या परमेश्वर स्वरूप उन्होंने अंदर निवास कर रहा है। अकथ कथा गुरु बचनी आदर, ये कहन तो परे दी गल है जेड़ा कोई इस सतगुरु साहब जी के बचना मन के मनन करेगा ध्यान धरेगा उसके पासे सन्मुख होएगा कथ कथा गुरु बचनी आदर उसे फिर वाहिगुरु परमेश्वर के दर दे विच सत्कार प्राप्त होंदा है प्रवानगी दा। सुन मंडल एक जोगी वैसे, वो जड़ा ऐसा मंडल है अफुर स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर या सतगुरु स्वरूप या गुरमुखां दा तत्व इत्यादि दा जिहड़ा पूरा टिकाणा है सुन मंडल एक जोगी वैसे वो अफुर स्वरूप है उत्थे होर संसारी कोई फुरना नहीं है इको ही वाहिगुरु परमेश्वर की लिव ओ ही स्वरूप होए सरवर में मंडल एक योगी वैसे कोई एक योगी पुरुष जिहड़ा है जुड़न वाला उसके ओदे विच टिकदे हन। नार ना पुरख कहो कहो कैसे, वो कहा जा स्वरूप है जिस तरह आप सृष्टि रची पुरुष की सतीपति की नार ना पुरख ना तो नारी वर्गा उसका शरीर है ना पुरख वर्गा शरीर है मनुख वर्गा नार ना पुरख कहो कोई कैसे तो दसो भी वो फिर किस तरह का है। तेर पवन जोत रहे दिवलाई, वो ज्योति स्वरूप है तिने तिने पवन दे विच वो व्यापक है उसके गुरमुख जड़े ने तत बेते वो अपनी चित बिरती नू प्रेम दे नाल लिवलीन करी रहंदे हन। सुर नर नाथ सचे सरनाई, जिन्ने भी देवी देवते ने सुर नाथ या जोगियों दे विच नौ नाथ मने उस वाहिगुरु सच्चे दी शरण दे विच हन। आनंद मूल अनाथ अधारी, वो कैसा है आनंद सारे जितने आनंद मने आनंद नंद सब को कोई उसका मूल रूप है भाव सब दस्तमन जी आनंद अंश है खुश करने वाली ये आनंद मूल अनाथ उसका कोई मालिक नहीं वह सब का मालिक है अनाथ आधारी जिन्हों का कोई भी रखक नहीं है उन्हों का भी वो आधार रूप है। गुरमुख भगत सहज बीचारी, जेडे गुरमुख ने सन्मुख रहने वाले गुरु देव भगती करके सहज उस रूप का विचार करते रहते हैं। भगत बशल भय काटन हारे, अभ्यास करते रहते ने जपते रहते हैं कैसा भगतों का भगती करने वाले ने प्रेम करता है वह वाहिगुरु परमेश्वर जेडे उहदे नाल प्रेम करते हैं। भगत बशल भय काटन हारे तो सारे जिन्हें भी सत्ते पै उन्होंने कट्टन वाले हैं वह वाहिगुरु जी। हाँ मैं मार मिले पगतारे, मेरे गुरमुख ने सतगुरु साहब जी के नाम शब्द द्वारा हमें नू मार करके पग धारे उस दे विच ही जिहड़े संकल्प विकल्प उन्हां नू रोक करके उस दे विच ही ओह टिके रहिंदे ऐ। अनक जतन कर काल संताए, ये देखो संसार दे विच वाहिगुरु की रीति है जोग जो सो बिनसै अनक जतन कर काल संताए होर जिहड़े लोग ने वाहिगुरु परमेश्वर की सिख्या नू गुरु की सिख्या नू नहीं मनन वाले उन्होंने हमेशा ही किसी जून दे विच भी चले जान वो काल जिहड़ा वह दुख दिंदा रहिंदा है मारदा रहिंदा है। मन लिखाए मंडल मैं आए, क्योंकि जिन्ना कोई समय किसी नू प्राप्त कर्मां दे अनुसार है उसके अनुसार लेख लिखा के उन्हें इन्ने नू फिर मर जाना है यदि समाप्ति मन लिखाए इस
जिहड़ा मातलोक मंडल है इस दे विच सब जीव आए हन। जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, पर वेखो सरज गल माया दी लपेट विच आए काम क्रोध दे वस होए। जिहड़ा जन्म बड़ा अमूलक वस्तु है, पदार्थ है, जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, ते इहनू दुबदा विच पए होए भी आ करिए जा करिए, ते इस तरह ही इह गवा लैंदे हन। आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे, अपना वास्तव असली स्वरूप है जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की गाए। आप न चीनस ते भ्रम भ्रम परम दे विच पए होए पटक पटक करके ही रोंदे रहिंदे हैं। कह तो पढ़ दो सुन तो एक, जेडे गुरमुख हैं कहन वाले वाहिगुरु परमेश्वर नू ते पढ़न वाले वाहिगुरु परमेश्वर दी बाणी, कह तो पढ़ दो ते सुन वाले, वो उन्होंने ताई वो एक वाहिगुरु, कह तो पढ़ दो एक वाहिगुरु परमेश्वर का ही सरवण करना, एक वाहिगुरु परमेश्वर का ही मनन चिंतन हमेशा करते रहते हैं। तीरज धर्म धरनी धर टेक, धरनी धारत धारण वाला परमेश्वर रूप है, बड़े धीरज ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर के धर्म धारण करते हैं। जत सत संजम हृदय समाए, कहते जी होर किसी जिज्ञासु पुछता कि भी सानू भी प्राप्त हो सकता, कहते हाँ गुरु की शरण लवो ते जत सत संजम ते सच बोलो पराया हक न लवो, ते जत धारण करो ब्रह्मचर्य जत पहारा तीरी धारण करो जत सत्संज हृदय। ये सारे जड़े गुण जदों हृदय दे विच मन बुद्ध चित दे विच लीन हो गए। चौथे पद कहो जे मन पति आए, जे करके थोड़ा चौथा पद है तीन गुण तो है रजो तुम सतो, इन्हें तो परे चौथा है तुरिया, तुरिया वासा जड़ी है। जे उस दे ताई थोड़ा मन चाहता है कि असी उसनू प्राप्त करना है, भरोसा है। चौथे पद को जे मन पति आए, हेलो अगे साचे निर्मल मैल न लागै, साचे उस सच्चे वाहिगुरु परमेश्वर दे जेहड़े कर्तव्य हमेशा ही सच्चे ते सबले साचे निर्मल, ते जेहड़े गुरमुख हन वह भी सच्चे हो जाते हैं उस दे विच लीन, क्योंकि सच साचे निर्मल ते होमें दी मैल तो रह के मैल उन्हां नूं कदे होमें दी मैल नहीं लगती। गुरु का शब्द भरम भाओ भागा, गुरु साहिब जी दे उपदेशां दा मनने करके गुरसागर रतनी पूरे सब उन्हां दे भरम जिहड़े ने पंज प्रकार दा ते पै सते ये नाश हो जांदे। सूरत मूरत आर अनूप, वाहिगुरु परमेश्वर जी जी कोई ओदी शकल आकार कहा जाए है उसके स्वरूप दा, मूर्त दा अर्थ भी स्वरूप है, सूरत मूर्त आदि अनूप उसकी शकल गई है, उसका स्वरूप आदि है, सब संसार दा आद सच जुआद सच आद अनूप, ते उहदे ताईं कोई एक प्रमाण जिहड़ा है वो निषेध पख करके वर्णन नहीं कर सकता, सूरत मूर्त आदि अनूप उपमा तो रहत है। नानक जाचा साच स्वरूप, सतगुरु नानक साहब जी अपने पवित्र नाम द्वारा ये शब्द का उच्चारण करते, सतगुरु साहब जी की काव्य रचना की मोर छाप है, जाचा साच स्वरूप असी तो भाई उस वाहिगुरु परमेश्वर तो ही सब वस्तुआं मंगते हैं, सब तो वड्डी नाम रूपी भगती रूपी वस्तु है, इस दे विच ही असी तो संतुष्ट हाँ। सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचा साफ स्वरूप है, गुरु नानक साहब महाराज जी का अष्टमियां रूपी छंद दे विच महावाक है जो सहज पाठ का भोग पाए तू आया है, उसकी बहुत संखेप नाल अखरी अर्थ रूप करके विचार हुई है, क्योंकि सतगुरु साहब जी दे आप जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी साढ़े आने का की कारण है, अब मैं अपनी कथा बखानो वो जो विचित्र नाट के अंदर है हूँ वो होगी। सूरत मूरत याद अनूप, नानक जाचा साच स्वरूप, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सात संगत जी, अज सतगुरु महाराज जी के दसवें स्वरूप का अवतार धारण का दिहाड़ा है,
आप जो वाहिगुरु परमेश्वर ने कलयुगी जीवन के उधार करने वास्ते कोई होर देवी देवा देवी देवता समर्थ नहीं सी, क्योंकि सारे कोई ऐसे जेडे जीवन के मनमुखता वाले सुभाव हैं, उन्होंने तो नास्तकों वाले सुभाव हैं, तो संसार दे विच होर अपनी पूजा कराने वाले तो आप ही रब कहाने वाले उन्हां सारयां दे ताईं फिर तो जीवन नूं भटका के अपने मगर लाउण वाले हन, तो वह सारे दे ताईं ही सतगुरु साहब जी ने देख के वाहिगुरु ने कहा भई ये किसी तो कारज नहीं सरिया, भगती दा आप अपनी शोभा दे विच पै गए। वह आप ही सतगुरु साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कथा कही है, वह विचित्र नाटक के अंदर है, तो उसका उसकी हुण विचार होगी। विचित्र नाटक के पहला जो आप दस रूप धारे वाहिगुरु के हुक्म उन्होंने गुरु स्वरूप करके वर्णन किया है वे अपने पिता सतगुरु तेग बहादुर साहब जी का, तो फिर गुरतागद्दी से आप स्थित होए तो उसकी अपनी जिहड़ी विचार है वो हुण दसन लगे है। अब मैं अपनी कथा बखवानू, तब साधत जे विद मोहे आन। हुण कहिंदे असणी अपने इत्थे आउण दी जिहड़ी गलबात है कहानी है वो कहने हैं, तो तब साधत जिस तरह असी बहुत तपस्या कर रहे सी, एक चित हो के वाहिगुरु की भगति जप तप करना, तो फिर एक रूप ही उस दे विच लिवलीन हो जाना। इनू कहिंदे है अपने गुरसेवा तपा सिर तप सार, तप नाम चित की एकाग्रता को जानी के एकाग्र हो के वाहिगुरु परमेश्वर विच सुरत जुड़ी रहनी। हाँ जी चलो जी जाओ भाई। अब मैं अपनी कथा बखानो। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी संगतां दे ताई कहिंदे भी हुण असीं जिहड़ी अपनी कथा है इत्थे अवतार धारण दी, ते ओह हुण कहिंदे हां तप साधत जे विद मोहे आनो। तप करदे इक रस वाहिगुरु परमेश्वर दे जप तप भगति विच लीन होया होयां दे ताई, जिस तरह जे विद मोहे आनो, जिस रंग दे नाल वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू हुक्म दिता तो इस संसार दे विच अपने हुक्म दे विच लियांदा। हेमकुंट पर्वत है जहां, जिथे हेमकुंट ना है उसका वो बड़ा भारी पर्वत है पहाड़ है। साबत सरेंग सोवत है तहां, वो सरोवर भी है हेमकुंट, ते सप्त जड़ियां आले दुआले पहाड़ियां ने उस दिया सत चोटियां शोभा पा रही हैं। साबत सरेंग ते नाम कहावा, उन्होंने नाम लोगों के विच भी सत जिहड़ियां पहाड़ी चोटियां हैं ये नाम लोग कहते हैं। पांड राज जह जोग कमावा, उस जगह से जिहड़े द्वापर दे विच होए ने पंडू कृष्ण के पास रहने वाले जिनके स्वामी रहत हजूर, उन्होंने भी जेडे कोई हेमकुंट गुरमुख हूं तो बहुत जाते हैं। जेड़ा गोबिंद घाट है इस जगह के नेड़े ही कोई किलोमीटर या सवा किलोमीटर से पंडकेश्वर है, थोड़ी जी उसकी निशानी है। वो कहते इतने उन्होंने अपनी योग साधना की थी। ता हम अर्क तपस्या साधी, वो टिकाणा दस्या भी उस इलाके दे विच असी बहुत सारी तपस्या कीती। महाकाल काल का आराधी, जिहड़ा महा सारयां दा काल करन वाला है, ये शब्द दे विच जिहड़े कोई विक्षेप या गुरु दी बाणी ते किंतु करन वाले होर मतां वाले ने वो कहिंदे वी काल का आराधी ना। महाकाल जो है काल दा भी काल करन वाला, काल का आराधी काल, महाकाल दा काल दा भी जेड़ा समय नू ही चंद्रमा सूर्य सारे ये समय है, भूत वेख वर्तमान समय है, सब समय दे विच स्थिति हुई है। महाकाल वो सारयां दा जेड़ा काल करन वाला वाहिगुरु परमेश्वर है, उसे असी आराधन वाले होए।
यह विद कर तपस्या पयो। उसने जितने उकागर कर दे जब तब कर दे हुए ए विद कर तपस्या इन्नी तपस्या जब तब किया दुआते एक रूप हो गयो। एक ता आप सी एक वाहिगुरु परमेश्वर सी है ते दो तो एक रूप हो गए। जेड़े शंका करते ने जी कालका भी है जी कालका एक वाहिगुरु होगी एक कालका होगी तीन हो गए। इसे करके उसका अर्थ काल का आराध्य दुआते एक रूप हो गयो। इन्हें किता भी दो दो रूप सन एक ए, जो सतगुरु रूप ऋषि रूप धारण किया सी एक स्वरूप ही हो गए। तात मात मोर अलख अराधा। हुण जेड़े साडे माता पिता सी तात मात मोर साडे माता गुजरी जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ए अगे साहिबजादे दी कोई अवतार नहीं सी सतगुरु साहब जी दे घर विच ते मोर अलख अराधा। उन्होंने भी जो लखन तो रह वाहिगुरु परमेश्वर का इधर उन्होंने चेते किया भी महाराज ही वाहिगुरु परमेश्वर साढ़े घर संतान होवे साहिबजादा होवे। बहुविद योग साधना साधा। उन्होंने भी गुरमत के अनुसार वाहिगुरु के जुड़े रहना बहुविद योग साधन ऐसे साधन करना किते। तेन जो करी अलख की सेवा। साडे माता पिता ने जो वाहिगुरु परमेश्वर की आग्ञा मननी उसकी भक्ति करनी उसकी सेवा की ताते पए प्रसन्न गुरुदेवा। जो गुरुदेव सारे ने गुरु चैतन्य प्रकाश रूप वाहिगुरु का नाम है से वो प्रसन्न हो गए। तेन प्रभ जब आए समोहे दिया। इधर उन्होंने याद किया इधर एक रूप हो गए। फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने भेजना सी माता पिता के आराधन तो कोई साहिबजादा होवे ते तिन प्रभ जब आए समोहे दिया। उस वाहिगुरु परमेश्वर ने साडे ताई जदों ये हुक्म दिता तब हम जन्म कलू में लिया। कलू के समय दे विच असी ए जन्म धारणा कीता। चितना पयो हमरो आवन कह। ये अवतार तारिया भी असी एक रूप होए सी वाहिगुरु दे नाल सुरत जुड़ी हुई सी ते साडा चित नहीं सी करदा उन्हां नूं। चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। साडी जिहड़ी सुरत सी जिस दे नाल सारी ग्यार शरीर दी ते संसार दी हुंदी है वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणां दे विच ही लिवलीन रही। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो। फिर साडी सुरत नूं अपने सरूप दे विचों ओह जगा के प्रगट करके ते जिवें किवें कह के साडा चित नहीं सी करदा उहनूं। उत्थे ऐसा आनंद है एकता रूप है कोई विक्षेप नहीं कोई दुख नहीं है। इम कह कह एह लोक पठायो। ज्यों त्यों कह ज्यों तिवें कह के सानूं वाहिगुरू ने समझाया ते इउं कह के इस लोक दे विच भेजिया। अकाल पुरख बाच इस कीट परत। अकाल पुरख का वचन है आग्ञा है उसकी इस कीट परत। देखो महाराज कहिंदे भी असीं तां वाहिगुरु दे दर दे तुश दास हैं कीड़े हैं किरम हैं इस कीट परत ए हुकम है। चौपाई जब पहले हम श्रेष्ठ बनाई। वाहिगुरु परमेश्वर ने कहा जो पहला असी ये सृष्टि पैदा की दैत रचे दुष्ट दुखदाई। उस वेले पहला भी हमें कमजोर जाए कि आकार घटने हैं दैत बनाए बड़े बलवान ते दैत रचे दुष्ट दुखदाई। वो पर उन्होंने दैत ही सी लोगों मारो कुटो अपराध करो ते दुख देना यही उन्होंने चंगा लग्या। ते पूज बल बबरा हो गए। वो इन्ने बलवान हो गए भी अपनी पूजा के बल दे नाल बस बौरे ही हो गए कमले ही हो गए। पूजत परम पुरख रह गए। करनी तो वाहिगुरु परमेश्वर की भक्ति सी उस विच लीन लीना आनंद लेना सत्कार प्राप्त करना पूजत परम पुरख रह गए। ओ वाहिगुरु परमेश्वर की पूजा शरण लैनी भक्ति करन वालों रह गए। ते हम तनक तनक मोखापे। ये तो बड़े दुख देंदे होर जीवां नूं सारिआं नूं ते
इस तरह उल्टे कम करते हैं तो हम तमक तो थोड़े जे तमक दे विच आके शोभ दे विच आ करके वह भी सारे खपाते कहते किमें खपाते वाहगुरु के फुरने विच ही सब कुछ है फुरना करे तो मेट दिता है हरन पन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने हो चलिए तिनकी ठाहर देवता थापे उन्होंने जगह भी चंगे कोई अपने सिमरन भजन वाले जप तप करने वाले होन उन्हां दी थां फिर देवते बनाते ते पी बल पूजा उर जाए ओ जड़े देवते सी ओ भी बलियां लैनियां लोकां करों कोई साडा मत्था टेको जी आ करो जी तां थोड़ा कम करांगे ओ भी बलियां लैण दी पूजा दे विच ही उरज गए आपन ही परमेश्वर कहाए उन्होंने परमेश्वर की भगती दिलाउणी सी लोकां नूं ते उन्होंने अपने आप नूं ही असी रब है वह कहना शुरू कर दिता महादेव अचुत कहवायो महादेव शिव जी सी वह कहना मैं ही अचुत हाँ अविनाशी पुरख हाँ विष्ण आप ही को ठहरायो जरा विष्णु सी उसने कहा भी मैं ही परमेश्वर है इस तरह मैनू मनना करो ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना जरा ब्रह्मा सी उन्हें कहा भी मैं ही पार ब्रह्म है वेखो मेरा नाम ब्रह्म है तो पार ब्रह्म मैं ही होया प्रभु को प्रभु न किन्हु जाना मेरा असली वाहिगुरु परमेश्वर ज्योति स्वरूप है तेरे पवन ज्योत रहे लिवलाई सुरनर नाथ सचे सरनाई उसनु परमेश्वर करके किसे ने नहीं जानिया तब साखी प्रभु अष्ट बनाए फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने विचारिया भई ठीक है जेडे लोग ये चंगे कर्म करन ते माड़िया कर्मिया वालों हटन ते उन्होंने सिक्ख्या देनी चंगी सिक्ख्या देव परमेश्वर नूं मनो ते जे नहीं होगा ते थोड़ी फिर वाहिगुरु परमेश्वर अगे असी ये जिहड़ी शादी है ओ नहीं भरांगे चंगी रूप करके ते फिर कहांगे भी इन्हां ने ये काम किए उल्टे काम किए जिहने चित्रगुप्त है जां अठ साखी हैं धर्मराज है होर है हाँ जी साख निमित देवे ठहराए वो साख भी जो कुछ ये कम करते ने उगाई देने इस वास्ते उन्होंने ये बना दिता ते कह करो हमारी पूजा वो कहन लगे भी देखो असी थोड़े उपर हैं तो जेडे कोई चंगे कर्म करो उन्हें असी सिफारिश कर देंगे पर साड़ी पूजा करो साडा सत्कार करो असी घट वध भी कह देंगे ते कह करो हमारी पूजा भी साड़ी पूजा करया करो हम बिन अबर न ठाकर दूजा सब बिना होर कोई ठाकरे कोट ब्राह्मण को ठाकर स्वामी कोई होर परमेश्वर भगवान है ही नहीं परम तत् को जिन ना पछाना हाँ जी परम तत् को जिन्होंने परम तत् स्वरूप सिद्धांत नो परम तत्न तत्न स्वरूप है उस वाहिगुरु परमेश्वर नु नहीं पछाणिया तिन कर ईश्वर तिन कहो माना इन्हों सूझ बूझ नहीं सी परमेश्वर दी उन्होंने इन्हों साखियां नु रब करके मन लिया केते सूर चंद कहो मान एक तो सूरज सी एक चंद्रमा सी अठ अठ साखियां विचों गिण लगे ने कई सूरज नु ही मनन लग पे अगन होत्र कई पवन परमाना चंद्रमा नु कई मनन लग पे भी एकम दा चंद्रमा है कोई सवेरे उठ के सूरज नु ही पानी देन लग पिया कोई सूरज नु ही श्री केते अगन होत्र कई पवन परमाना कई अग्नि भी साखियां दे विचों है उसनु अग्नि नु भी मनन लग पे केते अगन कई पवन परमाना कई पवन देवते नु ही मनन लग पे प्रमाणिक किन्हो प्रभु पहान पहचाना किन्हां ने प्रभु परमेश्वर पे यो है जो वो पत्थर स्वरूप करके जान लिया उस दिया मूर्तियां कर लिया नात फिरे जाल करत बिधाना नात नात किते जाल करत बिधाना जल बनाया सी भी किते जल नु ही मुखी बन करके ओहदे विच ही नहाउंदे फिरदे हन केतक कर्म करत डर पाना ते कई इस तरह कोई जल नू पे तीर्थां नू उस भी मतलब गंगा ही मुक्ति करूगी केते
केतक कर्म करत डर पाना। कई धर्मराज नूं मन्नण लग पए वी उह लेखा लैंदा उहदे उस तरह दे उहदे कहे कर्म करन लग पए। धर्मराज को धर्म पछाना। धर्मराज नूं ही उहनां ने असली धर्म जिहड़ा है वी इस नूं ही मन्नो। असली धर्म तां तज सब परम भजो पार ब्रह्म वाहिगुरु परमेश्वर दा मन्नण करना। पर उन्होंने धर्मराज नूं ही मनना शुरू कर दिता। जे प्रभ साख निमित ठहराए। इस तरह भी जीवां नूं तुसीं गवाही दिया करो ये माड़े चंगे काम करदे हन ते इह जिहड़े इह निर्णा करके वाहिगुरु नूं दसना जिहड़े इस निमित बनाए सन। ते हिया आए प्रभु कहवाए। ओह इसे आ के कहिंदे हम ही ब्रह्म है हम ही प्रभु है। ताकि बात बिसर जाती पी। वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ी उसकी गल बात है पे तुसी जाओ लोग होर पासे विच लगे ने माया या होर मोह या इन्हां दे विच वाहिगुरु परमेश्वर दी भी भगती दृढ़ाओ ते आप करो ते उहदी गल उह भुली गए। अपनी अपनी परत सोब भी। आपो अपनी जिहड़ी गल बात सी भी पूजा करवाउणी सत्कार करवाउणा अपने अपने पंथ विच लाउणा वो आप अपनी शोभा दी सारिआं नूं पै गई। जब प्रभ को ना कि नहीं पहचाना। जिवें जिवें कोई मंडलियां हन बोधी हन जैनी हन सिद्ध हन वो आप अपनियां मंडलियां दी भी इहदी शोभा होवे इह वड्डे होण। जब जब प्रभ को ना कि नहीं पहचाना। जदों वाहिगुरु परमेश्वर नूं असली रूप दे विच किसे ने नहीं पछाणिआ तब हर इन मनुष्य न ठहराना। वाहिगुरु परमेश्वर ने वे जिहड़े मनुख है भी ये चंगे होणगे भगती करनगे इन्हां नूं इत्थे कायम कर दिता। ते भी बस ममता हो गए। ये बेचारे मोह ममता दे विच फस के भी ये मेरा ही है सब कुछ ये मोह ममता दे विच फस गए। परमेश्वर पाहन ठहरे। ते कईआं ने भी कुछ ने दस्सिआ कि उह परमेश्वर नूं पत्थर रूप दियां मूर्तियां करके ही वह मन लिया। तब हर सिद्ध सार ठहराए। फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने भी शक्तियां वाले लोग बनाओ सिद्ध साधक ते साधना करन वाले बनाओ जैसे योगी योग मत दे नासन। तिन भी परम पुरुख नहीं पाए। उन्होंने भी परम पुरुख परमेश्वर नूं नहीं पाउणा कीता। जिवें योगी जिहड़े ने ओह शिवजी नूं ही सब कुछ मनदे ने वैष्णव उहनूं ही मनदे हन। जे कोई होत पयो जग सियाना। जिहड़ा होर कोई संसार दे विच वेदां दी रचना शास्त्रां नाल पढ़िया सियाणा होया तिन तिन अपनो पंथ चलाना। उन्हां ने आपो अपना राह जिहड़ा सी पंथ उह चला लिया। परम पुरख किन्हूं नह पायो। जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर सारिआं तों वड्डा है वड्डे कीआं वड्याईआं कुछ कहिणा कहिणा जाई उह किसे ने भी नहीं प्राप्त कीता। बैर बार अहंकार बढ़ायो। ते अपने विच अहंकार बढ़ा लिया बैर कर लिया बाद झगड़े करन लग पए शास्त्रां वाले। पेट पात आपन ते जलै। देख लो जिवें ओह जंगल दे विच अग लग जावे ते बिरछ जिहड़ा मुढ है ओह टाणियां टाणियां दे समेत आपे ही छड्डण लग पैंदे। प्रभ को ईरखा अहंकार दे विच इह आप ही काल दी अग्नि विच सड़न लग पए। प्रभ का पंथ न को चलै। वाहिगुरु परमेश्वर दा जिहड़ा असली भगती भाव रस्ता है दिन करतार न किरतम मानो उस रस्ते ते कोई भी नहीं चल रहा। जिन दिन तनक सिद्ध को पायो। जिन्हां जिन्हां ने भी छोड़े मात्र सिद्धी कोई शक्ति नूं प्राप्त कर लिया तिन तिन अपना राह चलायो। उन्होंने आप अपना रास्ता वखरा जा वो श्रेणी वखरी कर ली। परमेश्वर ना किन्हूं पहचाना। वाहिगुरु परमेश्वर नूं असली रूप दे विच किसे ने नहीं पहचानिया। मम अचार ते पयो दीवाना। वाहिगुरु परमेश्वर कहिंदे मेरा मैं कहिआ सी नाम जपो सिमरन करो उस तों ये सारे कमले हो गए पागल ही हो गए। परम तत् किन्हूं ना पहचाना। परम तत् किन्हूं ना पहचाना। परम तत् स्वरूप है उसनूं किसे ने नहीं पहचानिया।
आप आप भीतर और जाना अपनी अपनी शोभा दे विची वड्याई दे विची उलझ गए। तब जे जे रिखराज बनाए रिखराज बनाए ऋषि बना दो राजे ऋषि भी वड्डे ऋषि महात्मा वो बनाना कीते। तेन आपन पुन सिमरत चलाए उन्होंने अपनी सिमरतियां जड़िया सताई सिमरतियां जा आ कम करया करो कर्म कांड जा होर ओ करने शुरू कर दिते। जे सिमरन तन के भयो अनरागी जेड़े ओ सिमरतियां नु छड करके वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेमी होए तेन तेन क्रिया ब्रह्म त्यागी तेन तेन क्रिया ब्रह्म की त्यागी जेड़े ओ सिमरतियां दे विच लग गए ते उन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर दी जेड़ी सिख्या ओदे अनुसार कम करना ओ छड दित्ते। जिन मन हर चरण ठहरायो जिन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर दे कोई विरले गुरमुख वाहिगुरु की कृपा नाल ओदे चरणां दे विच मन नू टिकाउणा कीता सो सिमरन तन के राह ना आयो ओ जिहड़े ऋषि महात्मा सिमरतियां कर्मकांड पूजा करवाउणी ओ उन्हां दे राह नहीं चले। ब्रह्मा चार ही वेद बनाए ते ब्रह्मा ने चार वेद बनाउणा कीते शाम ऋग जुजुर सरवण सर्व लोक ते कर्म चलाए सारे लोग जड़े ने वो कर्म कांड दे विच ला के चला दिते। जिनकी लेव हर चरणन लागी पर जिस किसे बिरले नी वाहिगुरु की कृपा दे नाल वाहिगुरु दे वो चरणन दे विच नाम दे विच लिव लगी हुई सी ते वेदन ते पए ते आगी वो जड़ा वेदन दा कर्म कांड जा होर दस्या होया सी वो उन्होंने नहीं उसनु मन्या छड गए। जिन मत वेद कते बन त्यागी जिन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर दे कुरान बन गया होर हो गया उन्होंने भी शराधिक होर चीजां द्वेष पैदा करने वाली उन्होंने मत छड दिती। पार ब्रह्म के भय अनरागी वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम सिमरन दे प्रेमी हो गए। तेन के गूढ़ मत जे चल ही उन्होंने जेड़ा गूढ़ मता उन्होंने सिद्धांत वाहिगुरु परमेश्वर की सिख्या रूप है जेड़े उस ते चल पे पात अनेक दुखन सोदा लही वो जेड़े चले थे वो अनेक तरह के पापा के ताई दल देंदे हैं ते वाहिगुरु की भक्ति में जुड़े रहते हैं। जे जे सहत जातन संदेह जेड़े वाहिगुरु परमेश्वर की आग्या हुक्म मननी या पैर आए पैर दे के भगती दे विच जोड़ना जातन हुंदा ताड़ना फिर ताड़ के सिख्या देनी भी आ करो आ करो भी उन्हां जे जे प्रभ जातन ते डरे वो आग्या मनन तो जेड़े डर गए भी तो बड़ी औखी है। प्रभ को संग न छोड़तने जेड़े वाहिगुरु परमेश्वर जे जे प्रभ जातन प्रभ को संग न छोड़तने पहली पंक्ति ते परमपुरी कह जाही ओहो जेड़े जे जे प्रभ जातन ते ते परमपुरी कह जाही ओ तो पहला ते हर स्यों अंतर कछ नाही फिर पाड़े नू ते हर स्यों अंतर कछ नाही ते उन्हां जेड़े तां वाहिगुरु परमेश्वर दी आग्या मन्नी उन्हां दा तां वाहिगुरु दी आग्या मनन वाला ते ओ वाहिगुरु परमेश्वर दा ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए जे वाहिगुरु परमेश्वर दे विच ही भेद हो जांदा है। जे जे जी जातन ते डरे जेड़े उसने हुक्म मनन तो डर गए ये बड़ा औखा कठिन है परम पुरख तज तिन मग परे ओ पा वाहिगुरु परमेश्वर दी भक्ति नु छड करके जेड़े होर ऋषि महात्मा कर्म कांड या वेद जा कुरान दे ओदे विच उस रस्ते पै गए ते नरक कुंड मोह पर ही वो सारे जिन्ने भी है राम रहीम वार न सके जाकर नाम है वो सब नरकां दे खूह दे विच ही पैण गए। बार बार जगमो बाप धर ही बार बार होर जिन्हां दे विच फिर जन्म धारन गए तब हर बहर दत्त उपजायो फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने कहा भी ये जेड़े सन्यासी हैं ये उन्हों का शिवजी का यह दत्तात्रेय उन्हों का मोढ़ी है
ते जब हम जब हरे बहुर दत्त उपजायो फिर दत्तात्रेय दे चाहे वाहिगुरु परमेश्वर कहना भी मैं पैदा कीता तेन पी अपना पंथ चलायो उसने भी अपना पंथ चोर लिया कर्मो नख सिर जटा सवारी वो कहते ना ना कटो ते केसा नु भी साफ रखन की कोई लोड़ नहीं जटा बना लिया करो प्रभ की क्रिया कछु ना विचारी वाहिगुरु परमेश्वर का कर्तव्य ये करना शरीर नु साफ रखना केस और स्नान पान करना ते ए सुथरा रखना वो कुछ नहीं विचारना कीती पुनहार गोरख कौ पुजायो फिर वाहिगुरु परमेश्वर कहना जो आप सतगुरु साहब जी कहने पे वाहिगुरु ने कहा भी असी फिर गोरख दे ताई पैदा कीता सिख करे तिन्हू बड़ राजा ओ जड़े गोरख सी उन्होंने जड़े बड़े बड़े राजे सी उन्होंने सिद्धियां रिद्धियां दिखा के जो मनु चाट के उन बड़े बड़े राजे जड़े सिद्ध बना ले श्रवण फार मुंदरा दोए डारी उसने कहा भी कन्ना नु पाड़ के ते मुंदरा पा लो मुंदरा पातियां सरबन फार मुंदरा डोए डारी दो मुंदरा भी कन्ना नु पाड़ के मुड़ के ना एक ते जान ते ए उन पा दितियां प्रभ की प्रीत रीत ना विचारी वाहिगुरु परमेश्वर दी प्रीति भक्ति दी जेड़ी रीत ओ नी विचारना कीती पुनहार रामानंद को करा फिर सतगुरु साहब जी कहंदे है जेड़ा परमानंद सी वैरागी ते उसनु करना कीता भी तुइयों जाके असली भक्ति दृढ़ा ते आप कर भेस बैरागी को जिन तरा उसने बैरागियां वाला भेस धारण कर लिया कंठी कंठ काठम की डारी काठ लकड़ दी या मनकियां दी जिहड़ी कंठी गल दे विच पौनी ओह पुआती प्रभ की किरिया न कछु विचारी वाहिगुरु परमेश्वर दा जिहड़ा कर्तव्य करन दा हुक्म सी ओह कुछ नहीं सोचिया जे प्रभ परम पुरख उपजाए जेड़े वाहिगुरु परमेश्वर ने भी बड़े मने हुए दुनिया ने विच ओह पैदा कीते सन तिन तिन अपने राह चलाए उन्होंने आप अपने पंथ ते रस्ते तोड़ लाए महादीन तब परव उपजा उपराजा चलो तो हिंदू श्रेणी दे विच गल सी हुण मुसलमाना दी गल महादीन ते साडा सब तो वड्डा धर्म है दीन है फिर उस दे ताईं जिहनूं मुहम्मद कहंदे उहनूं पैदा कीता अरब देश को कीनो राजा अरब देश दा उसनूं भी तेरी मालकी है तेरी ताकत है तेरे बल हेठां रहणगे राजा बनाता तिन पी एक पंथ उपराजा उहनूं भी एक जिहड़ा पंथ सी आ मुसलमानां दा उह पैदा कीता लिंग बिना कीने सब राजा उनकी करना शुरू कीता जिहड़ी साबत सूर सी भी सुन्नत करिया करो वो सारे जड़ा ए जड़े वे अधिकारी सन इतने राजे का अर्थ प्रेम पात्र है हिंदी सागर कोश दे विच राजा नहीं है राजे का अर्थ शोभा भी हुंदा है जी शोभा प्रेम पात्र नाल ही हुंदी है वो सारे इस तरह उन्हें भी सब सुन्नत करो चलो सब ते अपना नाम जपायो सारे तो अपना नाम भी उसने जपाउणा कीता मुहम्मद दुल रसूल अल्लाह इस तो बिना नहीं छाड़ी गति होनी सत नाम काहू ना दिलड़ायो असली वाहिगुरु परमेश्वर दा सच नाम सी ओ सच्चा सदा कायम रहण वाला ओ किसे नु नहीं पक्का कीता सब अपनी अपनी उर जाना सब की गल वाहिगुरु परमेश्वर कहने भी आप अपनी जेड़ी कोई उन्होंने चंगी लगी हमता ममता दी रीति जा शोभा दे विच ही उलझ गए पार ब्रह्म काहू ना पछाना जोड़ा परारूप व्यापक स्वरूप है ज्योति स्वरूप है जागत जो जपै निश्वासर एक बिना मन नायक नाने वो किसी ने नहीं उसका मनन किया उसकी साख्याता की तब सादत हर मोहे बलायो फिर ये सब कुछ दस के भी ये कारण है भी वाहिगुरु परमेश्वर ने असी जुड़े हुए सी एक ध्यान दे विच फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू बुलाया इम कह कह ए लोक पठायो यूं कह के जिहड़ा पूर्व सी ते कह के इस लोक दे विच भेजिया अकाल पुरख बाच चौपई मैं अपना सुत तोहे नवाजा अकाल पुरख दा हुक्म होया भी अपना
जिहड़ा श्रेष्ठ सपूत हुंदा पुत्र हुंदा पूरी आग्या मनण वाला भी उसकी पदवी थानू दिती है उसकी अंशी हुंदी है। कहो कबीर ये राम की अंश भी मैं इस नवाजिश इस पदवी की नवाजिश की। पंथ पर चुरो कर वे कहो साजा जाओ एक ऐसा वाहिगुरु के नाम का कोई पंथ नहीं है। कोई विष्णु कहना जय होवे कोई कहना गोरख दी कोई शिवजी दी कोई कहना मोहम्मद दी या होर इसे कोई वाहिगुरु का भी नाम लैंदा पंथ पर चुर कर वे को साबा भी ऐसा पंथ जेड़ा वो वाहिगुरु के नाम से तुम अगे प्रवृत्त करो। जहां तहां तय धर्म चलाए जिथे किथे भी है उथे जाके जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर का धर्म भगती उसकी सेवा शरण विच हुकम च रहना ये चलावो। कुबुद्ध करन ते लोक हटाए ते जिहड़े खोटी मत दे नाल उल्टे रस्ते पए हुए हैं लोक उन्हां नूं हटाओ। कब वाच दोहरा ठाठ पयो मैं जोर कर तुसीं पंथ चलाओ वचन कहा सुर न्याय। उस वेले सतगुरु साहब जी कहने असी हाथ जोड़ के खड़ो के वाहिगुरु परमेश्वर दे अगे शीश नवा के ए बेनती कही वचन कहा सिर न्याय सिर नवा के ए बेनती रूप वचन कहा। पंथ चला तब जग तुम कलयुग का समय है ते बहुत भयानक है अब कलयुग आयो रे इस दे विच केदी ताकत है पर पंथ जिहड़ा तुसीं कहिंदे भगती करन वाला तां चल सकदा जदों तुसीं सहायता करो। जब तो माया जिहड़ी खचित कर लैंदी है हंकार जिहड़ा पदवी नूं प्राप्त हुंदा है वड्डी तो वड्डी पदवी होवे। हाँ जी जब तुम करो सहाय इस दे विच इह वी है वी जिहड़े पंथ दे विच सिख असीं चल रहे हां इस दे विच अरदास वी महाराज ने कहा वी तां चल सकदे जदों तुसीं सहायता करो। सिखाने भी अरदास होनी चाहिए है करनी चाहिए भी महाराज तुसी चलाओ ये बड़ा औखा रस्ता है सिखी का खन्यो तिखी वालो निकी एच मार्ग जाना ये सतगुरु साहब जी जाच सिखा रहे हैं। चलो चाओ भाई ये कारण प्रभ मोहे पठायो जी ये कारण दस्या है भी वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू इस वास्ते भेजिया तब मैं जगत जन्म धर आयो असि इस संसार दे विच अवतार धार के या जन्म धार करके आए हाँ। जिन तिन कही इन्हें तिम कहे हो जिमें जिमें वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू गलबात कही है उवें उवें असि बिल्कुल कहांगे और किसी ते बैर न गए हो ते भी बैर ना द्वेष दे नाल होर ना दा खंडन करना वो तो किसी तो बैर ने बैर धारण करके उन्हूं माड़ा नहीं कहांगे। जे हमको परमेश्वर उजर है ना भी जेड़ा कोई सानू भी ये परमेश्वर तुसी जिवें होर देवी देवता ने भी वो पार ब्रह्म ब्रह्मा पार ब्रह्म बखाना ते वो दूसरे ने शिवजी ने कहा महाचुत अखवायो विष्णु ने विष्णु है दूजा ने भी कहा जे हमको परमेश्वर उचरे जेड़ा भी सानू परमेश्वर कहेगा ते सब नरक कुंड में पर है वो सारे नरकां दे कुंड दे विच पैणगे जूनियां दे विच चौरासियां दे विच आउणगे ते दुख भोगणगे। मोको दास तबन का जानो फिर की है कहने असी तो उस वाहिगुरू दे भेजे हुए दास हाँ जिवें गुरु नानक साहब महाराज जी ने तो सारे सरूपां ने कहा पर जिहड़े वाहिगुरू दे दास उन्होंने भी दासां दे दास है जिहड़े उहदा नाम जपन वाले उन्होंने तो कुरबान जाते इत्थों तक निम्रता गरीबी ढूठ सारे ये वाहिगुरू परमेश्वर ने एक कारण की है ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਿਭੂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਹੰਗਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਿਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ
कि श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्द स्वरूप है, नाम स्वरूप है, इन थानू उठे लै जाना, होर नहीं कोई ओट रखनी, शरीरां दी नहीं, शब्द की टेक रखनी है। हाँ जी, जा मैं भेद नरंच पछानो, इस दे विच थोड़ा मात्र भी भेद ना समझना करो, मैं हूं परम पुरख को दासा। फिर कहने असी तो जिस तरह गुरु नानक साहब सिद्धां दे नाल चर्चा वास्ते बैठे थे, सिद्ध आके हार हार कह जाने के नानक निरंकारी। भाई मरदाना कहता जी आम तो अर्थ मोटा जा भी निरंकारी है, फिर निरंकारी ने कहते नहीं मरदाने असी निरंकार दे दास हाँ। चलिए जी, देखने आयो जगत तमाशा, ये असी तो वाहिगुरु परमेश्वर की खेल है, सगल जगत उसका हुक्म होया है, वह मन करके इस देख आए हाँ। जो प्रभ जगत कहा सो कहे हों, जो प्रभ वाहिगुरु जो प्रभ जगत कहा सो कहे हों, जो वाहिगुरु परमेश्वर ने कहा भी दुनिया नु जाके कहो उही असी कहांगे। मृत लोग ते मोन न रहे हो, ते जे कोई डर दे भी चुप कर रहो कुछ भी ना कहो, इन्हां तो चुप नहीं रहांगे। नाराज शब्द कहो प्रभु सो पाख हो, वे चुप नहीं रहना, कहो प्रभु सो पाख, जो वाहिगुरु परमेश्वर ने सिखिया हुक्म दिता है वो ही असी कहांगे। किसू ना कान राख हां, ते किसे दी कनौड विच जाओ दी मिशंदगी दे विच आके डर पे ने उसे कान कनौड नहीं रखांगे। किसू ना पेख पीज हां, ते किसे दी पेख दे उत्ते पीजांगे नहीं भी उनू धारण कर लईए। अलेख बीज बीज हां, जो वाहिगुरु लख स्वरूप है उसने तैनू हुक्म दिता है नाम भगती दा, ही संसार दे सिखिया दे के हृदयां दे विच बीज बीजांगे। पखान पूज हो नहीं, ते पत्थरां नहीं पूजा नहीं असी बिल्कुल करांगे। ना पेख पीज हो कहीं, ते किसे सन्यासियां आदिक ते होरना दे उते ओ पेख दे विच भी नहीं प्रसन्न होके उनू ग्रहण करांगे। अनंत नाम गाए हो, जो वाहिगुरु परमेश्वर अंत तो अंत ना सृष्टि कहन अंत उसे वाहिगुरु परमेश्वर दे बेंती नावां दे ताई ध्यावांगे। परम पुरख पाए हां, जो सब तो बड़ा व्यापक स्वरूप है उसके ताई पालवांगे। जटा ना शीश धर हां, ते सिर दे उत्ते जटा भी नहीं रखांगे। ना मुंदर का सुधार हां, ते ना कन पड़वा के उन्हां च मुंदरा ही पावांगे। ना का कान काहू की तरो, ते होर किसे दी कान कनौड भी नहीं करांगे। कहो प्रभु सो मैं करूं, जो वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू हुक्म किया हुई मैं करांगा। भजो ता एक नाम, एक वाहिगुरु परमेश्वर का ही नाम सिमरन करांगा। सो काम सर्व ठाम, सो जो काम सर्व ठाम, जो सारे ही सावन दे विच वाहिगुरु परमेश्वर का नाम कार्जा नू सिद्ध करन वाला है। ना जाप आन को जपो, होर किसे दा देवी देवते दा जाप नहीं जपांगे। ना और थाप ना थपो, ना कोई होर मूर्ति बना के या स्थापन करके किसी तरह नहीं, वो भी नहीं उसका ध्यान नहीं करांगे, जिवें थापया ना जाए कीता ना होए। बेअंत नाम ते आए हो, जो अंत तो रहत वाहिगुरु परमेश्वर उसका नाम ही उस दे विच जुड़ांगे ध्यावांगे। परम ज्योत पाए हो, जो परम ज्योति स्वरूप है पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालस ताई निखालस जाने उस परम ज्योति दे ताई प्राप्त करांगे। ना ध्यान आन को तरो, और किसे दा ध्यान भी नहीं करांगा। ना नाम आन उचर हो, ना आन ना नाम आन उचर हो, किसे ना काम ना नाम आन उचर हो, हो भी किसे दा देवी देवता दा नाम पिया उच्चारण करो वो भी नहीं कहांगे। तबक नाम रचें, थोड़े नाम दे विच ही मारा रंगी जे रहांगे। ना आन मान मचें, ते होर मान हंकार दे विच भी नहीं उस मद विच नहीं आवांगा। परम ध्यान धारियं, परम जो वाहिगुरु परमेश्वर दा उसदा ही ध्यान धरना योग है धारांगे।
अनंत पाप टारियं। भाई अनेक ही पापा ने जो नाश करने वाला है। तुमेव रूप रचयं, महाराज छोटे इस रूप दे बेची लीन होवांगा। ना आन दान मचयं, नहीं ना आन, ना आन दान मचे माचयं। ते होम भी किसे दे पंजा द्वैरात दे बेच नहीं तेरा कार होवांगे। तब तबाक नाम उचरियं, छोटे नाम दा उचारण होगा। अनंत दुख टारियां, अनेक दुखां दे चाहिए जो नाश करने वाला है। चौपाई जिन जन नाम त्यारो त्याया, हे वाहिगुरु परमेश्वर जिन्हां जिन्हां ने छोड़ा नाम निकचित होके त्याना कीता, राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जपो हर जैसे, दुख पाप ते निकट नाया आया। उन्होंने नाल कोई उन्होंने पाप किया तो दुख तो की नेड़े आना, उन्होंने आया ही नहीं। जे जे और ध्यान को धर ही, जेड़े कोई वाहिगुरु नु छड़ के होर देवी देवतियां दा ध्यान धरदे हन, बहस बहस बादन ते मर ही, उहदा आपो विच झगड़े करके बहस बहस करके झगड़िया दे विच ही मर जांदे हैं। हम एह काज जगत मो आए, लो फिर ख्याल रखो जा होर चीज होर प्रचार करना ते कैसा महाराज बार बार कहंदे हैं। जे जे हम एह काज जगत मो आए, असी भाई समझ लो गुरमुख प्यारे हो भी असी इस कम वास्ते इस संसार विच आए हां। धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जो अटल धर्म वाहिगुरु परमेश्वर की भक्ति कौन अनक अटल धर्म, इस वास्ते वाहिगुरु परमेश्वर ने कले हन। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, कले हां भी इस वास्ते जिथे जिथे जा करके वाहिगुरु परमेश्वर की नाम सिमरन भक्ति शुभ कर्म ए दृढ़ाउणा करो। दुष्ट दोखियां पकड़ पछारो, जेडे दुष्ट लोग ने द्वैत पाप कर्म करते हैं तो दोष देंदे हैं दुख कटते हैं, उन्होंने ताई फड़के मारो। जाही काज तरा हम जन्म, इसे वास्ते असी ये अवतार धारण किया है। समझ लिहो साधु सब मन मंग, भाई जेडे साधु श्रेष्ठ कर्म करने वाले हुए शुभ कर्मन ते कबू न टरो, ये मना दे विच समझ लो तुझ डरो ना, ये शस्त्र पाए खड़े सानू डराउण वास्ते है ना, सगों जो ये दुख देंदे है श्रेष्ठ पुरशां नू उन्हां नू सोधन वास्ते ये शस्त्र धारण किए ते वीर समेशां लई खालसा पंथ साज के कायम करना है। धर्म चलावन संत उबारन, धर्म जिहड़ा असली उहनूं चलाउणा ते संत जिहड़े लोग ने उस वाहिगुरू दे धर्म ते चलण वाले भगती करन वाले उन्हां नू दुख दुष्ट दुखियां तों बचाउणा है। दुष्ट सवन को मूल अपारन, जिन्ने भी दुष्ट लोग ने उन्हां दा सब मुढ़ जिहड़ा उह पट देना है। जे जे पहे पहले अवतारा, कहिंदे जी की गल हो गई थोड़े जेडे पहले पहले अवतार होए हन, आप आप तिन जाप उचारा, उन्होंने सारिया ने कुछ ना कुछ लग के रख के तो अपना अपना ही जाप उचारण किया। प्रभ दोखी कोई कोई ना बदारा, जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल ईर्ख्या करनी पई उहदा उहदे थां अपना नाम ही वड्डे होना ते उह है ही नहीं किथे असी रब हैं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ ਨਾ ਡਾਰਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਗੌਸ ਅੰਬੀਆ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਸ ਪਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਬੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।
एकास तरो मन माहे। इस गर्मी को वाहिगुरु परमेश्वर दी आस रखिया करो। आन आस उपजत किछ नाही। होर ते आसा मेज रखनी हो ते कोई भी फल प्राप्त नहीं हुंदा। बाकी आस तरो मन माहे। काल तो कोई नहीं बचा सकता, होर वाहिगुरु का ज्ञान नहीं कर सकता है। उस वाहिगुरु परमेश्वर दी आस रखो। दोहरा कोई पढ़त कुरान को। कोई तो इस संसार दे विच असी मुसलमान है कुरान नू पढ़दा है। कोई पढ़त पुराण। कोई पुराणा नू पढ़दे हन व्यास दे रचिया होया दे ताई। काल न सकत बचाए कै। वो काल तो परमेश्वर दे काल अधीन है, उस तो बचा नहीं सकदे। फोकट धर्म ददान। उन्होंने जेडे कर्म धर्म ने सब एवं फोके ही हैं, कोई फल नहीं उन्होंने तो काल तो बचन का प्राप्त हुंदा। चौपाई कई कोट मेल पढ़त कुराना। कई करोड़ा ही जेडे ने पुराणी पढ़ी जाते हैं। बाचत किते पुराने अजाना। कई कहने जी जिसे बहुते हूँ उधर ही हो जाने। कई जेडे अनजान ने कुरान ही पढ़ी जाते हैं। अंत काल कोई काम न आवा। अंत दे समय जेड़ा है वो कोई भी उन्हां दे कम नहीं आया। दाव काल का हूं ना बचावा। जेड़ा काल दा दाव मारन दा उस तो किसे ने भी नहीं बचाया। क्यों ना जपो ता को तुम पाई। इस करके हे प्रभु क्यों नहीं वाहिगुरु परमेश्वर दा तुसी जपना कर दे हो जाप। अंत काल जो होए सुहाई। जो अंत दे समय भी जन नानक ऐसा अरसे भी अंत लै छड़ाया। जो अंत दे समय भी इत्थे भी सब थाई सहायक होंदा है ते होवेगा। फोकट धर्म लखो कर भरमा। ये जेड़े फोकट जिन्हां दे विच ऐसा फल नहीं काल तो नहीं बचा सकते है। निष्फल है नाश होण वालियां चीजें सब निष्फल जानना करो। इन ते शर्त न कोई कर्मा। ना ही धर्म रखिया होया है ना ते कोई भी कम नहीं सरदा। एह कारण प्रभ हमें बनायो। इस वास्ते भाई वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू भेजिया है। पेख पाख एह लोक पठायो। भेद पाख एह लोक पठायो। भेद कह करके इस लोक दे विच भेजना कीता। जो दिन प्रभ जो दिन कहा सो सबन उचर हां। जो वाहिगुरु ने परमेश्वर ने कहा वो असी सारिया नु ही कहांगे। डिंब बिंब कछ नायक न करो। डिंब बिंब पखंड या पेश ऐसा ओ नहीं असी धारण करांगे। रिशाबल छंद न जटा मूल तारो। फिर कहने ने ना जटा तारांगे ना जटा मूल तारो। ना सिर मनावांगे ना जटा तारांगे। ना मुंदर का सवारो। ते जोगियां दा पंथ है कन पाड़ के मुंदरा पर ये भी नहीं करांगे। जपो तास नाम। भाई वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जपना करो। सरा सर्व काम। सारे कम साडे ठीक होणगे। ना नैनंग मचाऊं। ते ना कोई भी ये बड़ी समाधि लौंदा सन जा ब्रह्म ज्ञानी जा हो। ना नैनिंग मचाऊं ना नेत्र बैठ के बैठना कोई समाधि लौंदा ऐसा भी नहीं करांगे। ना डिंबंग दिखाऊं। ना किसे नु दिखावे दा धर्म पखंड दिखावांगे। ना कुकर्म कमाऊं। ते खोटे काम भी नहीं करांगे। ना पेखी कहाऊं। ते ना कोई भी साडा ये पेख है जी ऐसा पेख तुसी धारण करो ये भी नहीं कहूंगा। चौपाई जे जे पेख सो तन मोह धरया। जेड़े जेड़े कोई बाहरले लिबास शरीर दे विच धारण करदे हन ते प्रभ जन कछ कछ ना विचरै। ते प्रभ जन कछ कह ना विचरै। जेड़े बाहरले परमेश्वर दे जन दास ने उन्हां दे दिल दे विच उसदी कोई कदर कीमत नहीं मुल नहीं है कुछ करके भी नहीं विचार दे। समझ ले हो सब जन मन माहे। इस करके सारे लोगो जितने पैंट पाई हुए अपने मना विच समझ लो। डिंबन मैं परमेश्वर नाही। दिखावे दे पखंडम करने दे तनी परमेश्वर दी प्राप्ति हुंदी। जे जे कर्म कर डिंब दिखाई। जेड़े जेड़े कोई दिखावे दे पखंड दे कम करके दिखाउंदे हन ते परलोकन मोह गत नाही। ओले भाई वाहिगुरु परमेश्वर दे हजूर जा परमेश्वर दी भगती करने उन्हां दे विच उन्हां दी कोई कदर कीमत नहीं है।
जीवत चालत जगत के राजा काजा। जे पखंडम दे नाल अखी बड़े वे संत ने या होर चीज है जीवन तो संसार दे विच कम चल पैंदे है। स्वांग देख कर पूजत राजा, क्योंकि बारले लिबास देख के उन्होंने क्रिया वेख करके राजे भी पूजा करन लग पैंदे है। स्वांगन मैं परमेश्वर नाही, जिहड़े ऐसे स्वांग बाहरले पेख दाने इन्हां दे विच कोई परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। खोज परै सब ही को काही, वो सारे ने ताई अपने चित दे विच निर्णय करके वेख लो। अपनो मन कर्म जे आना, जिन्होंने अपने मन नू अपने वश दे विच लियांदा हथ विच लियांदा है, पार ब्रह्म को तिनी पछाना, उन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर दी करदे करदे जो मन बाणी चित उस दे विच लीन हो गए एकाग्र हो गए उन्होंने वाहिगुरु नू पछाणिया। दोहरा पेख दिखाए जगत को, इस तरह जिहड़े लोग दुनिया नू पेख दिखाउंदे हन, लोगन को बस कीन, ते लोकां नू भी बस कर लिया अपने कोई रिधियां सिधियां नाल। अंत काल काती कटियो, अंत दे समय दे विच जिस वेले काल आया जा समा आया बास तो उसदी कांत दे नाल शस्त्र दे नाल कटिया गया। बास नरक मोली, वैसे खंडी डंबी जड़े ने इत्थे तां पूजा कराने अगे नरक दे विच ही निवास लिया। चौपाई जे जे जग को डिंब दिखावा, जेड़े जेड़े भी कोई लोग संसार दे ताई पखंडम दे लिबास बनाओ के दिखाउंदे हन, लोगन मूड अलग सुख पावा, उहदा लोगां दे सिर मुन के भाई थोड़ा जिहा दिखा के कोई उहदी माया मुया लै लैणी इहनूं के सिर मुन के लै, लोगन मूंड अलग सुख पावै, हाँ सुख तो पा लेंदे थोड़ी वाली माया दे नाल। नासा मूंद करै परनाम, ते जिहड़े भी नक भी पकड़ के अपने नमस्कार करदे ने भी साडे दसवें द्वार दे विच श्वास टिकदे हन। फोकट धर्म न कौडी काम, ये सब फोके धर्म कर्म हैं, ये कौडी का भी कम देन वाले नहीं अगे परलोक विच। फोकट धर्म जिते जग कर ही, जिन्हें भी संसार के लोग ऐसे फोके दिखावे दे वाहिगुरु परमेश्वर की नाम भगती तो खाली कम करते हैं, नरक कुंड भीतर ते पर ही, वो सारे नरक के कुंड दे विच पैंदे हन। हाथ चलाए सुरग ना जाहू, कोई हाथ ला के भी हाँ जी असीं सुरग दे विच जाने ऐसे हाथ लाने से तो नहीं सुरग दे विच जाईदा। जे जो मन जीत सका नहीं काहू, जो कोई भी के अपना मन तो दूसरे का भी जित नहीं सकया हाथ लाने के नाल जा असी जाने या होर इस तरह तो नहीं जाईदा। कब बाच दोहरा जो निज प्रभ मोसो कहा, जो आप वाहिगुरु परमेश्वर ने मैनू कहा सो कह हो जग माहे, ओही असी संसार के लोगों नू माई पाई नू कहने हां। जो तेह प्रभ को ते आए है, जेड़े उस वाहिगुरु परमेश्वर का ध्यान करके एक चित हो के ध्यान गए अंत सुरग को जाहे, वो सुरग नाम देवत्या का स्थान देव नाम प्रकाश रूप का है, वो उस सुख की सुख स्वरूप के स्थान दे विच जाणगे। दोहरा हर हर जन दोई एक है, इस दे विच भेद भी नहीं रहना, जदों लिबलीन हुंदा है ते उस वेले वाहिगुरु परमेश्वर की जिहड़ी भगती करता है, तो दूसरा ये परम मुक्ति भेद मुक्ति है वो उपासना नहीं है। जे जे हर हर जन दुई एक है, वाहिगुरु ते उहदा जन जिहड़ा है भगत है एक रूप ही हो जाता है। बिब विचार कछ ना है, इस दे विच कोई जुड़ा होण दी गलबात कहनी ये विचार ही नहीं है। जल ते उपज तरंग ज्यो, किस तरह भी जिस तरह जल दे विच लहरां उठदियां हन, जल ही बिखै समाहे, वो जदों जल दे विच ही उठ के इस तरह लहरां वांग तां ही शिरवतार हन, जो हो रहे हैं आप वाहिगुरु परमेश्वर पार ब्रह्म स्वरूप है, होर जिहड़े जीवन उसकी भक्ति करदे वो भी सारे जिवें लहर हट गई तो उसका ही रूप हो जाती है। चौपाई जे जे बात करते अहंकारा, जेड़े जेड़े एवं अपने पेखदा या होर नमदा अहंकार करके झगड़े करते हैं, तिन ते पिन रहत करतारा, वो निरंकार उन्हां तो रह जाता है उत्थे लीन नहीं हो सकते। वेद कतेब बिखै हर नाही, देखो कि वेद पढ़ लिया जी किताबां कुरान पढ़ लिया
इन्हें पढ़न दे नाल तां वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुंदी। जान लेहो हर जान मन माही, ए वाहिगुरु दे भगत जन भगती करन वाले मन दे विच समझ लो, आंख मूंद को डिंब दिखावे, आंख मूंद को डिंब दिखावे, जेड़ा कोई अखां मीट के साडी समाधि लगती है त्रिपुटी दसवें द्वार दे विच, इस तरह लोगों नूं दिखाउंदा है पाखंड, अंदर की पद भी कह पावे, ते अखां मीच लो ते तुरंत ही ते अखां मीट के ते रस्ता भी नहीं दिसदा है, ते ओ किथों पालूगा परमेश्वर नूं, आंख मीच मग सूझ न जाही, ओ अखां मीट के ते रस्ता भी नहीं दिसदा, ताहे अनंत मेला किम पाई, उसदे ताईं जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर अविनाशी ओ किस तरह मिल जाऊगा। बहु विस्तार कह लो कोई कह, को बहुत विस्तार दे नाल वाहिगुरु परमेश्वर दी विचार संसार दी पखंडा दी जे कोई कहना करे, समझ तो बार थकत होए रहे, समझ तो बात थकत होए रहे, जे समझ गल्ला समझ समझ करके फिर अखीर के थक के रह जांदा है, रसना तरह कई जाओ कोटा, जे कोई करोड़ा भी जमाना अपनिया बना लवे शक्ति दे नाल, तदप गणत ते परत सो टोटा, ओहदा पूरा कथन नहीं वाहिगुरु दा कर सकता है, ओनू टोटा ही पैंदा अखीर ते, मैं हो जाने भी मैं बहुत कहा है, दोहरा जब आयस प्रभ को पयो, जदों वाहिगुरु परमेश्वर दा सानू हुक्म होया, जन्म तरा जग आए, असी फिर ए संसार दे विच आ करके अवतार धारण कीता जा जन्म लिया। अब मैं कथा संक्षेप ते, हुण कहंदे संक्षेप ते भी उत्थों आए किथे अवतार धारण कीता है, ते ओ थोड़े जी गलबात दसदे हैं, सब हूं कहत सुनाए, सारे ने तई सुना के आखदा हां, इत श्री विचित्र नाटक ग्रंथे आग्या काल जग प्रवेश करना, ये किथे कहिंदे अपने कोलों ते नहीं कीजिए, विचित्र नाटक ग्रंथ जो दसम है उसदे विच ये वाहिगुरु ने जो हुक्म दिता है ओहदा अध्याय संपूर्ण होया है, नाम खष्टमो ते आए समापत, चलो अब कब जानम कथन चौपाई, कवि अपने आप नु कवि कविता भी बनाते हैं ना भी कवीशर या होर चीज है, ओ हुण जन्म कथन करते हैं, चौपाई मोर पित पूरब की अस पे आना, साडे पिता सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ते नाल परिवार दे समेत पूरब दे जिहड़े अस्थान सन, जो औरंगजेब दा राजा सी उन्हूं ये लड़ा के सामने मार मराना चाहता सी बिशन सिंह, ते उन महाराज की शरण लई, उत्थे बहुत टूने टामन जादू सन उहदे नाल मार दिंदे सन, ये रंगे दी सी भी आकी रहिंदा नाल जा मर जूगा ते नहीं तां ए आऊगा नहीं मुड़के, इहदी विचार सी। जदों साडे माता पिता ने परिवार दे समेत पूर्व वाली चलना कीता, पांत पांत के तीर्थ नाना, बहुत सारे रस्ते दे विच पवित्र स्थान दरिया गंगा आदि जां होर आउंदे ने उहनां ते इशनान करदे गए, ते उत्थे गरीबां नाथां नूं लंगर ते होर जिहड़े अधिकारी सी नाम बाणी विच जोड़दे गए। जब ही जात त्रिवेणी पए, जदों प्रयागराज जिहड़ा है अपनी गंगा ते जमुना जिथे कठियां हुंदियां ने, कल ही माघी दा दिन सी ते जदों उत्थे चले गए, पुन दान दिन करत बिते, उत्थे जा करके लंगर ला दिते, पुन दान गरीबां नूं कपड़ा वस्त्र देना होर ए कार्ज करदे रहे, तही प्रकाश हमारा पयो, उसे इस तरह भगती भाव दे नाल जुड़िया पुन दान लंगर के कीर्तन करदे होया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे सानू उधरों हुक्म हो गया ते उत्थे साडा चानण होया, प्रकाश रूप आपने जिस तरह किसी के अंदर भी हाँ प्रकाश हो जाए, भी हाँ साहबजादा आप वाहिगुरु परमेश्वर जो भेजणगे अवतार धारणगे, पटना शहर विखे भव लयो, पटने शहर दे विच फिर चले गए, इतिहास लंबा है उधरों आके उत्थे जा करके असी अवतार धारण कीता,
मदर देश हमको ले आए। फिर सुखदेव ना दसते ने जो थोड़े जे वे हुए सतगुरु तेग बहादुर साहब जी उधरों आ गए, बिशन सिंह राजा भी आ गया, तो फिर सानू इस अपने पंजाब देश दे विच ले आए। पांत पांत दाइयां दुराए, बहुत सेवादार होर सेवा करने वाले दाइयां दाइयां जड़ियां सन दिने रात सेवा करने, उन्होंने सानू बड़े प्रेम दे नाल खिलौना किया। किन्नी अनक भांत तन रक्षा, अनेक तरह ने साढ़े शरीर की रक्षा की माता पिता ने। दिनी भांत भांत की शिक्षा, सारे ने तरह तरह की सिक्ख्या देना की। जब हम धर्म कर्म मोआए, जो असी फिर अगे अवस्था हुई सानू पता भी धर्म कर्म आया गुरु घर का उस प्रवृत्त होए। देव लोग तब पिता सदाए, जो साडे गुरु तेग बहादुर साहब जी पिता उन्होंने शहादत देती ते ज्योति ज्योत समा गए। सो सात संगत जी सतगुरु साहब जी ने बार बार डलाना किया किसी नूं भरम भुलेखा न पै जाए, या जिहड़े भुलेखे पए हुए सन दुनिया के विच मतां मतां तरह दे अपने आप नूं ब्रह्म कहाउणा या होर अनेक तरह के राह चलाने, वो सतगुरु साहब जी ने आप ही लिख दिते। जिन्हें इतिहासकार होए इहदी ओट लै के अगे वो प्रचार विचार करते हैं। सो समा संपूर्ण होया है ते पुल चुक दी खिमा करनी, सतगुरु साहब जी के चरणों के अरदास करिए कि सच्चे पातशाह सानू ये अपनी सिक्ख्या के मनण का बल बख्शो, अंदर धारण होवे ते अपने स्वरूप की भगती ते थोड़े विच लिवलीन नाम रस बख्शो। जब हम धर्म कर्म मोआए, देव लोक तब पिता सदाए। वाहिगुरु जी का खालसा। अगे कथा होर भी सारी अपनी लिखी है, जंग युद्ध सतगुरु साहब जी ने यो ना होवे भी किसी नूं भरम रह जाए। तू ठाकुर तुम